आप सभी को नमस्कार। विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को हम सभी लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया ये जो विशेष दिन है 24 जनवरी 2008 में। और इसका जो द मेन एम ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टैकल द इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटीज दैट गर्ल्स फेस इन द कंट्री एंड एनलाइटन एवरीवन अबाउट द राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसपे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज नारी शक्ति के रूप में कई हमारे साथ नारी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, और कार्यक्रम के आयोजक के रूप में प्रोफेसर जीएस तोमर सर, जो कि विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं। आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर कामिनी धीमान मैम। आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ नमस्कार। ही साथ डॉक्टर शांति चौधरी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप रिसर्च ऑफिसर रही हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम। आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी से। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही फेसबुक पे तमाम लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जैसे हमारी एक परिपाटी है, परंपरा है, भगवान धन्वंतरी की वंदना के साथ हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम नमामि धन्वंतरि आदिदेवम् सुरासुरैर्वंदित पाद पद्मम् लोके जरा रुक्ष भय मृत्युनाशम दातारमीशम विविधौषधीनाम् ना त्वहं कामये राज्यम् न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। पुनः आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में प्रोफेसर जीएस तोमर सर। सर, आप आए और इस कार्यक्रम की विषय वस्तु क्या है, उद्देश्य क्या है, आप इस पर प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर जीएस तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आज की इस विशेष दिवस पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इस अवसर पर हमारे सक्त नारी शक्ति के रूप में जो महाशक्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इंद्रप्रस्थ से जुड़ी हुई हैं हमारी डॉक्टर कामिनी धीमान जी, और काशी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, और प्रयागराज से प्रतिनिधित्व कर रही हमारी शांति चौधरी जी, और मिर्जापुर जो देवी का शक्तिपीठ है विंध्याचल वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी। तो आज हम जो है निश्चित रूप से इस पावन दिवस पर हमारे देश की भव्य संस्कृति का तो हम उद्घाटन करना चाहेंगे ही, साथ साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये उद्देश्य जो था, जैसा डॉक्टर अवनीश पांडे जी ने अभी बताया कि हमको अनइक्वलिटी, हमको कभी जो है इस संदर्भ में सोचना नहीं चाहिए। प्रारंभ में आप जानते हैं कि यह देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये संस्कृति का यह देश है जहां पर स्त्रियों को पूजा हुई है, जहां स्त्रियों ने हमेशा सम्मान के लिए, भारतवर्ष के सम्मान के लिए, भारतवर्ष के पालन पोषण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। अभी मैं इस संदर्भ में केवल विशेष मत तो हम लेंगे डॉक्टर कामिनी जी का, डॉक्टर नीलम जी का, डॉक्टर शांति जी का, कि न्यूट्रिशन, एजुकेशन और आपका ये हेल्थ, इन तीनों परिदृश्य में हमको क्या सोचना है, क्या करना है, ये तो हम चर्चा करेंगे ही। मैं साथ में एक छोटा सा पृष्ठभूमि में मैं कुछ लिखा करता हूं, तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने अभी दो पंक्तियां लिखी हैं, वो आपके सामने पढ़ रहा हूं कि नारी की पूजा होती जहां वहां देवता बसते हैं, भारत माता के सपूत सब मिले अभिनंदन करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा भारत भूमि है, ये भारत विशाल देश है।
कन्या लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा जगत सृजन की देवी है। कन्या शक्ति लक्ष्मी, कन्या लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा जगत सृजन की देवी है। माता बनकर पालन करती पत्नी बन बतिसेवी है। माता बन पालन करती पत्नी बन ये पतिसेवी है। और कितना आश्चर्य है इस देवी के, इस शक्ति के अंदर कितने महान रूप सजे हुए हैं कि पुत्री बन स्नेह बढ़ाती, पुत्री बन स्नेह बढ़ाती बहन परम शुभ चिंतक है। और पत्नी माता सचिव मित्र बन जीवन की हित चिंतक है। पत्नी माता जिस समय भोजन कराती है उस समय वो माँ का स्वरूप होती है। सचिव जिस समय आप संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आपको सबसे अच्छी राय देती है, सबसे अच्छी सचिव का कार्य करती है। और आपके जीवन में कंधे से कंधा मिला करके हर कदम आपके साथ चलने का काम करती है। आज हमारी बहन नीलम जी आज कोरोना से आक्रांत होने के बाद भी आज मैं देख रहा हूं कि चेहरे पर अंतर जो तेज छपा हुआ है वही तेज शक्ति का स्वरूप है। और आगे आते आने वाले समय में ये दिखाएगा कि हमारे देव की, हमारे देश की ये शक्तियां क्या कर सकती हैं। तो पत्नी माता सचिव मित्र बन जीवन की हित चिंतक है, हर समय आपका भला सोचने वाली ये नारी, इसको प्रणाम है, इसके चरणों में नमन है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश की धरा में पैदा हुए हैं जहां पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। अनुसुईया ने सती तो बल से तीनों देव झुलाए हैं, अनुसुईया ने सती तो बल से तीनों देव झुलाए हैं, झांसी की रानी ने रण में छक्के खूब छुड़ाए हैं। अनुसुईया ने तीनों देवताओं को जो है बालक बना करके झूले में झुला दिया, झांसी की रानी ने फिरंगियों को रण में छक्के छुड़ा दिए, अपनी शक्ति का परिचय दिया। और देखिए कि आज के परिवेश में भी हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में अमर हो गई बेटी हिंदुस्तान की, अंतरिक्ष में अमर हो गई बेटी हिंदुस्तान की, नाम कल्पना सिद्ध कर गई अपनी गहन उड़ान की, नाम कल्पना सिद्ध कर गई अपनी गहन उड़ान की। तो ये हमारी परिपाटी है। हमारे यहाँ कहा गया है प्रारंभ से ही भारतीय धर्मशास्त्र में, आयुर्वेद में, हमारे संदर्भ में स्त्रियों के बारे में पूर्ण चिंता की गई है। यहां तक लिखा है अष्ट वर्षा भवेत गौरी, नौ वर्षा तो रोहिणी, दस वर्षा भवेत कन्या, अतः ऊत रजसोलह। शादी के विवाह के संदर्भ में भी हमारे आचार्यों ने जो उपदेश किया, ऊन षोडश वर्षायाम प्राप्त पंचविंशतिम यद्यादत्ते पुमान गर्भाय कुच्छेष्टस विबध्यते जातौ वान चिरंजीवे जीवे द्वा दुर्बलेन्द्रियम तस्माद् अत्यंत बालायाम गर्भाधानम नकारयेत। इस प्रकार का विज्ञान भारतीय धर्मशास्त्र के साथ साथ में आयुर्वेद में जो तथ्य छुपे हुए हैं वो पूर्ण वैज्ञानिकता अपने आप में समेटे हुए हैं। आज आपके सामने उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में, कन्या स्वास्थ्य के संबंध में, न्यूट्रिशन के संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ तीनों महाशक्तियों का। तीनों महाशक्तियां इस समय हमारे सामने लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जी तीनों का स्वरूप हैं। तो आप तीनों लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए आपका पुनः स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अवनीश पांडे जी से कहूंगा कि एक एक शक्ति को आप आह्वान करें और उनके उपदेश सुन करके हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे निश्चित रूप से इस भारत की धरा को हम इन शक्ति के महत्व से हम लोग जागरूक करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, आप आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी से। मैम कृपया आए और इस विशेष अवसर पे अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर जी एस तोमर सर और सभी देवियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तोमर सर तुरंत ही कुछ कहते हैं कि आज आपको बोलना है, और जैसा कि आपको पता चला होगा कि मैं 18 तारीख को कोविड पॉजिटिव हो गई थी और अभी भी रेस्ट पर ही चल रही हूँ और 27 को ज्वाइन करूंगी, और आज इस
शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेमिनार या वेबिनार में मुझे जोड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन 24 जनवरी हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब इस दिवस को, किसी भी दिवस को मनाने का उद्देश्य बस केवल यही रहता है कि जन जागरूकता फैलाना। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का, और मेन ये है कि इसकी शुरुआत और सोच कहाँ से आई, जब हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1966 में आज ही के दिन 24 जनवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी से इसको शुरुआत किया। ठीक है, हम आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं महिलाओं की, कन्याओं की जागरूकता के लिए कि कन्याओं को बचाना है, उसकी भ्रूण हत्या से बचाना है। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कन्या के बारे में, जैसा कि अभी डॉक्टर तोमर ने बताया। भारत सरकार ने इसको इसलिए शुरुआत करी कि एक बार समाज में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत इस अभियान से करी कि देश भर में लड़कियों को जागरूक करना है, लड़कियों को क्या पूरे समाज को जागरूक करना है। हम सब पहले से ही जानते हैं कि लड़कियों की कितनी इम्पोर्टेंस है, वही लड़की बड़ी होकर बहन, फिर उसके बाद माँ, पत्नी, ये सारे उसके हर पग 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 में उसके डिफरेंट ये रूप होते हैं, जैसा कि इतनी सुंदर कविता तोमर सर ने बताई और पूरा सार उन्होंने उस कविता में उड़ेल कर रख दिया। बिल्कुल सही कहा है कि अगर जैसा हम लोग बहुत सारे स्लोगन बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर से ही इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम जानते भी हैं कि हम लड़कियां, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते, लेकिन कंपैरिजन में आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि लड़कियां माँ बाप को, अपने परिवार को, दोनों परिवारों को, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों को लेकर के चलती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका केयर भी करती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शक्ति स्वरूपा ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, बहुत ही उनके अंदर संयम होता है, बहुत सहन शक्ति होती है, लेकिन अगर उनको याद, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी भरपूर शक्ति होती है, हम सबने देखा है कि कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने का क्षेत्र हो, या ही कहीं स्वास्थ्य संबंधी किसी भी क्षेत्र में आप देखें, खेल में हो, अभिनय में हो, हर जगह लड़कियां, लड़कियों की भागीदारी हो रही है और वो उच्च पदक लाती हैं और उच्च पदों पर विराजमान भी हैं। आज हमारे समाज में जागरूकता फैली है, लेकिन अगर यहाँ पर अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। इस दिवस को मनाने का सबसे ज्यादा तभी इम्पोर्टेंस हो सकती है जब हम ये लड़कियों का सम्मान करना सीखें, उनको अपने बराबर में बैठाना सीखें। हमें अपने घर में ही, जैसे बेटा और बेटी दोनों, अपने बेटों को हम अगर ये उनका सम्मान करना, उनकी बातों को किस तरीके से बच्चे आपस में रहते हैं वो घर से ही सीखते हैं, संस्कार हमें घर से ही देना पड़ता है। और महिलाओं की शक्ति के बारे में तो शुरू से ही देखा है आपने कि जब देवताओं को परेशानी आई तो उन्होंने शक्ति स्वरूपा दुर्गा की प्रार्थना करी और उन्होंने ही उस समय भी देवों की रक्षा करी थी। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और इस मंच से मैं यह आह्वान करना चाहूंगी कि लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए हमें बचपन से, क्या प्रेगनेंसी से ही हमें शुरू में माँ का ध्यान रखना है, और जन्म लेते ही मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब लड़की हो जाती थी तो
ओटी का माहौल, लेबर रूम का माहौल एकदम चेंज हो जाता था। खासकर जो मदर इन लॉ होती थी उनके मन में ये आता था कि ओह लड़की हो गई। एक बार की तो मैं बात बताऊं आपको कि तीसरी बेटी उसको हुई और उसकी माँ उसकी सास इस कदर रोने लगी कि जैसे लगा कि कुछ मतलब बहुत ही बुरा हो गया है। बहुत समझाया गया, जबकि बेटियां बेटियों को हमें जन्म से ही उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखना है, उनको समय समय पर क्या क्या देना है, ये कभी भी ये दुराव नहीं रखना है कि ये बेटा है और ये बेटी है, उनको समान हक देना है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान अगर हम एडोलेसेंस से ही ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें उनको करनी पड़ती हैं। हम आज भी बहुत घरों में देखते हैं कि ये बेटा और बेटी में फर्क रखा जाता है, लेकिन मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगी, बेटियों को और प्यार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उनको दूसरे घर जाना है, एक परिवार बनाना है, एक परिवार को संभालना है, तो उनको हमें शुरू से ही मजबूत रखना है, स्वास्थ्य के प्रति भी, संस्कार के भी प्रति, और हर जगह उनको संभाल के रखना है और प्यार देना है, क्योंकि प्यार ऐसा चीज है जहां पर हम अगर बेटी को देंगे तो वो उनका विल पावर बढ़ेगा, और बेटी बोझ नहीं सम्मान है, बेटी हम सब की अरमान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटी माँ बाप की जान है। बहुत सारी चीजें हैं जो, और जैसा कि हमारी सास कहती थी कि जिसके घर में पहली बेटी होती है वो घर बहुत बहुत भाग्यशाली होता है, और बिल्कुल सच ही कहा है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर भगवान को पसंद हो वहां पे बेटियां होती हैं। और मैं बहुत कुछ ना कहते हुए दो लाइनों से अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि हमें बच्चों की बेटियों का शुरू से ही ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य के प्रति भी, उनके खान पान के प्रति भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमें लड़कियों को देना है, क्योंकि आगे जाकर के उन्हें माँ बनना है, और अगर वो जन्म से ही मजबूत रहेंगी तो वो आगे उनका जीवन अच्छा रहेगा और उनका विल पावर बढ़ेगा, और दुनिया में वो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बेटी नहीं कर सकती है। जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वही घर घर है, होता स्वर्ग समान। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलम जी, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी कि लड़कियों को हमारे यहाँ द्विज कहा गया है। द्विज जो है ब्राह्मण को कहते हैं, द्विज जो है अंडज जो पक्षी होते हैं उनको कहते हैं, और द्विज कन्या को भी कहते हैं। द्विज माने दो बार जन्म होना। जिस प्रकार से अंडज पक्षियों का अंडे के रूप में पुनः बच्चे के रूप में जन्म होता है तो वो द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य बच्चे पैदा होने के बाद माँ बाप के घर में, उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम में, आश्रम में चले जाते हैं, और आश्रम में जाने के बाद उनका दूसरा जन्म होता है तो वो भी द्विज कहलाते हैं। उसी प्रकार से कन्या का भी दो जन्म है, एक पिता के घर में, एक दूसरा ससुराल में। कितनी बड़ी क्षमता भगवान ने प्रदान किया है कि माँ बाप के घर में पली बड़ी बेटी एक नए परिवेश में जाके अपने आप को कैसे संभालती है। मुझे स्वयं प्रसन्नता होती है, आपने एक बहुत बड़ी बात कही। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी थे, उनके पास हम बैठे थे। पहले मुझे पहली कन्या हुई मुझे स्वाति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने एक श्लोक बोला, वैद्यो प्रथमम कन्या जायते, कि वैद्य वही है जिसको पहली कन्या हो, और इसका मतलब मोहर लग गई है कि आप बहुत अच्छे वैद्य हैं। और लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ उस कन्या ने हमारा सिर हमेशा आगे बढ़ाया है, चाहे वो जिस क्षेत्र में गई हो। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अपना स्थान लिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल लिया, पीएचडी किया, सारा कार्य उसने किया। और जगह जगह जहाँ जाती है तो ये मालूम पड़ता है, जब ओरेशन में खड़ी होती है तो लगता है, मुझे गर्व होता है कि वो पिता पुत्री, पुत्री और पुत्र से पराजित होने में पिता को परम आनंद आता है, तो गुरु और शिष्य पराजित होने में आपको गुरु को आनंद आता है। तो मैं चाहता हूं किसी प्रकार से उन्नति होती रहे, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि वही घर स्वर्ग है जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की पूजा होती है, लेकिन उनके खान पान के संदर्भ में हमको हमेशा जागरूक करना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में बदलती हुई फूड वैल्यूज,
बदलते हुए खान पान के तरीके, उसके चलते लड़कियां अपना स्वास्थ्य बहुत खराब कर लेती हैं। मैं बहुत आभारी रहूंगा डॉक्टर कामिनी धीमान जी का, इन्होंने जीवन के उस प्रत्येक काल में, प्रत्येक मोड़ पर, बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था में, गर्भावस्था में और प्रसूति के बाद की अवस्था में क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, आपने बहुत इस पर कार्य किया है। और मैं चाहता हूं कि निरंतर आप ये कार्य कर रही हैं समाज में सुधार लाने का, जिससे हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो सृजन अच्छा होगा, सृजन अच्छा होगा, संपूर्ण राष्ट्र अच्छा होगा। तो मैं बहुत कामना करता हूं कि निरंतर, आपका नाम भी कामिनी जी है, और मैं आपसे कामना करता हूं कि आप निश्चित रूप से एक हमारे स्वस्थ राष्ट्र के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। पुनः पुनः आपको अभिनंदन है, और मैं अविनाश जी से कहूंगा कि आपको आमंत्रित करें कि आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर अवनी जी, बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं प्रोफेसर नीलम मैडम को कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेयर की हम सभी के साथ में। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कामिनी धीमान मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली से। मैम आए और अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। डॉक्टर कामिनी धीमान मैम। सबको नमस्कार। तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद किया और आदेश दिया कि आप पधारें। डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर शांति जी, अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमें। जो आज ये अवनीश जी ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे एक डिस्कशन रखा है, बहुत अच्छा प्रयास है इनका कि ये भूमिका तो आपको बता ही दी है, तोमर सर ने भी बता दिया कि ऐतिहासिक जो हमारी सारी वीरांगनाएं थी उनका भी उन्होंने नाम बता दिया। गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अच्छी कविता सर ने सुना दी, और नीलम जी ने भी बहुत अच्छे से वक्तव्य बता दिया कि सारा कि क्या क्या भूमिकाएं एक स्त्री को निभानी होती हैं। और मैं तोमर सर की बात को फिर से दोहराना चाहूंगी कि अगर गर्ल चाइल्ड सही है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है तो परिवार ठीक है, परिवार ठीक तो समाज ठीक, समाज स्वस्थ तो पूरा देश स्वस्थ। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि एक कन्या जो है, जैसे ही उसका जन्म होता है तब से लेकर पूरा उसका जीवन उसका समर्पित रहता है, अपने लिए तो सही लेकिन देश के लिए ही समर्पित होता है, ये कहूंगी। क्योंकि देश पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश की स्त्री शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और वो समाज को क्या दे रही हैं, क्योंकि उनसे ही पूरा संसार शुरू होता है और घर भी पूरा उन्हीं से चलता है, खाना बनाना, संभालना और आगे अगली जनरेशन को ज्ञान देना, उनको बड़ा करना, ये सारा कर्तव्य जो है उसको निभाना रहता है। तो सबसे पहला शुरुआत जो होती है उसके अपने स्वास्थ्य से होती है। और जैसे सर ने बताया कि मैंने हर पहलू देखे हैं स्त्री के, क्योंकि हम स्त्री रोग विशेष विशेषज्ञ के रूप में हर महिला को, चाहे वो लड़की यंग आती है हमारे पास, गर्भिणी स्त्री आती है, प्रसूता आती है, हर उसमें देखा है मैंने। तो ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री के अंदर जो भगवान ने एक शक्ति दी है, सहन शक्ति, ये बहुत बड़ी देन है ईश्वर की, कि एक यूनिक उसमें एक सिस्टम दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो सिस्टम जो है अगर सही रहेगा तो पूरा देश सही रहेगा। तो और उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है जैसे ही इस कन्या का जन्म होता है। और थोड़ा सा और विशेष रूप से कहूंगी तो अगर वो भ्रूण में होती है उस समय उसकी माता का जो खान पान होता है उसके ऊपर, और थोड़ा सा और हम विस्तृत रूप में सोचते हैं तो जब माता पिता जब सोचते हैं कि हमें संतान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होना है, तो उनका जो बीज होता है वो कैसा बनता है वो भी उनके आहार विहार पे निर्भर करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में बालिकाओं का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में इसमें दो पहलू आते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उसकी शुरुआत होती है जब वो माता पिता सोच रहे हैं कि हमें एक गर्भ प्राप्ति होनी चाहिए, तब से लेकर आता है। लेकिन अब अभी हम गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वो उसका जन्म होने के बाद क्या क्या उसको समस्याएं हो सकती है, और अगर हम जैसे हम आयुर्वेद में हमेशा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बताते हैं तो प्रिवेंशन क्या हो सकती है, कैसे रोका जा सकता है कि हमारे पास जो
10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी ओपीडी में जो गर्ल्स आती थी उनकी प्रॉब्लम्स और अभी की प्रॉब्लम्स में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। ओवरी से रिलेटेड समस्याएं, ग्रोथ डिसऑर्डर्स जैसे कि सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना, पीसीओडी होना, पीरियड्स प्रॉब्लम होना, विड्रॉल ब्लीडिंग की आदत, ये सारा जो 10-20 साल पहले पेशेंट्स में बहुत कम रहता था जो यंग गर्ल्स हैं उनमें, लेकिन अब क्या हो गया कि यंग लड़कियों में भी हमें ये इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके लिए हमें उनमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो एडोलसेंट अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, वो भी हमें उस करने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लड़कियों को उनकी आहार विहार मतलब क्या खाना है, कैसे रहना है, विहार मतलब कि कैसे रहना है, आहार तो क्या खाना है, उसके लिए हमें उनमें अवेयरनेस लानी पड़ती है। तब हम उनको ये समझाते हैं कि आप क्या करें, बैक टू नेचर आइए। जो आजकल का जो फैशन चला है, जंक फूड लेना, बाहर का खाना खाना, ज्यादा मसालेदार खाना, उसे थोड़ा सा परहेज करें। फिर लड़कियां मुझसे पूछती, मैडम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम बंद कर दें क्या, थोड़ा सा भी अलाउ नहीं करोगे? फिर मैं थोड़ा सा उनको बोलती, ठीक है चलो महीने में एक बार हम अलाउ करते हैं, बट नॉट द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। और महिलाएं जो आजकल जॉब करती हैं तो उनमें भी थोड़ा सा ये ट्रेंड बढ़ गया है कि रेडी टू ईट ऐसा कुछ जो डाइट जो है घर में रखती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमें बचना है। हमारी भी अपनी जो है जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका स्वास्थ्य जो माता का जो काम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक माता ही अपनी बेटी को बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकती है, सिखा सकती है कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कॉमन समस्याएं जो आती हैं उनमें खून की कमी हो जाना, कुपोषण। कुपोषण अगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार की लड़कियों में होता है, हर इकोनॉमिक स्टेटस में हमें कुपोषण जो मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसा आहार लेना है और क्या लेना है। तो वहां हमें अवेयरनेस करनी पड़ती है कि आपको किन किन चीजों से बचना है। जैसे कि नहीं लेना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या लेना है? दूध का सेवन, घी का सेवन, रागी का सेवन, सीजनल फूड, सीजनल फ्रूट, इसका सेवन जो है उनको लेना है। इसके लिए हमें उनकी अवेयरनेस करनी जरूरी रहती है। दूसरा कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जहां तक समझती हूँ, उनका सत्व मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि लड़कियां, यंग गर्ल्स न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से अकेला फील करती है, अकेलापन होने की वजह से किसी न किसी वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं, तो उस स्ट्रेस से भी उनको बचाना हमें जरूरी है। और फैमिलियल सपोर्ट, पहले क्या था कि पूरा सारे लोग साथ में रहते थे, बड़े बुजुर्ग भी घर में रहते थे, उनकी एज के लेवल के भाई बहन भी साथ में रहते थे, तो उस समय क्या रहता था कि उनको सपोर्ट मिलता था। अब ये कि वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो अकेलापन होने की वजह से ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। गट ब्रेन रिलेशन जो है वो कहा है कि अगर आपको टेंशन है, चिंता है, तो आप खा नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो गट ब्रेन रिलेशन भी रहता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो उनकी डाइट भी ठीक रहेगा, डाइट ठीक रहेगा तो उनका पूरा जो सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और बाकी सिस्टम भी उनके ठीक रहेंगे। तो इसके लिए हमें उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ती है। सपोर्ट के लिए हम कई बार बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके आइए, और फिर साथ में जैसे कि हमारी पैथी में, आयुर्वेद में ही बोला है कि थोड़ा सा प्राणायाम है, योग है, वो उनकी लाइफस्टाइल में मैं एड ऑन कराती हूँ। कुछ नहीं कर पाओ तो डीप ब्रीथिंग, सुबह 10 गहरी लंबी सांस आराम से एक जगह बैठ के लीजिए, और शाम को लंबी गहरी सांस 10 बार लेनी है, ये उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। दूसरा कि आजकल की लड़कियों में हैबिट्स ये हो रही है कि लेट मॉर्निंग तक सोए रहना। लेट मॉर्निंग तक सोने से क्या रहता है कि उनका इंटेस्टाइनल मूवमेंट वो स्टार्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली। फिर क्या, जैसे कि आयुर्वेद में बोला है कि रोगाः सर्वेऽपि मन्देग्नौ, कोष्ठ शुद्धि नहीं होगी, मंदाग्नि होगा, जो भी वो डाइट लेती है वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। और न्यूट्रिशन, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वहां न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो रही है, इसी वजह से हो रही है, क्योंकि उनका गट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स डिले हो रही है, अग्निमांद्य हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कि अध्यसन, कभी भी खाना चालू कर दो, इंटरमिटेंट स्नैकिंग, ये भी आजकल के बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा अवेयरनेस लाकर उसको कम करना है कि इंटरमिटेंट स्नैकिंग, बार बार रिपीटेडली खाना, जिसको हम लोग
अध्यक्षण बोलते हैं उससे भी उनको हमें बचाना जरूरी है। तो इस कुछ कुछ बातें जो है हमें अपनी लड़कियों को खुद ही समझाना पड़ेगा। दूसरा, आयुर्वेद में जो हम रजस्वला परिचर्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा उनको अवेयरनेस लानी जरूरी है, लड़कियों को समझाना जरूरी है। वैसे तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत काम कर रही है कि अब स्कूल लेवल में आयुर्वेद जो है उनके क्यूरिकुलम में ऐड कर रही है, इसलिए उनको थोड़ा डेली रूटीन जो हमारी दिनचर्या है ऋतुचर्या है उनकी अवेयरनेस लड़कियों में होगी, क्योंकि क्यूरिकुलम में वो सब ऐड हो रहा है। अपनी तरफ से मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहूंगी कि हर घर में 10 पौधे, या छोटा घर है तो छोटे से हर्ब्स जो कि गमले में लग सकते हैं, ऐसे 10 हर्ब्स या छोटे से पौधे हर घर में महिला को 10 लगाने चाहिए, जिसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो कुछ भी छोटी बहुत भी समस्या आती है तो घर से ही अपने फ्रेश पौधे लेकर उसका स्वरस निकाल कर वो अपनी बेटियों को दे सकती हैं और थोड़ी सी ये हेल्थ अवेयरनेस जो है उनमें ला सकती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है घर की माता बहनें अगर करती हैं तो भी वो उनको हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा, इसमें तो बोलने को बहुत कुछ है, अगर मैं बोलने लगूंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस कर सकती हूँ, बट एक थोड़ा सा समय दिया गया है तो थोड़ा मैंने अपनी तरफ से बोला कि चलो साइकोलॉजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ उस पर उनको अवेयरनेस लाएं, और लड़कियां हमारी स्वस्थ रहेंगी तो समाज स्वस्थ रहेगा। और जैसे तोमर सर ने शुरुआत की थी तो मैं भी छोटी सी 2-3 लाइन मैंने भी कहीं से थोड़ा सा, खैर अपनी तो नहीं लिखी है पर मुझे कहीं से मिली है तो मैं वो सुनाना चाहूंगी कि घर की जान होती है बेटियां, पिता का गुमान होती है बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटियां, या यूं समझ लो कि बेमिसाल होती है बेटियां। तो बेटियां ही अगर जो है घर की जान है वो स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, बेमिसाल होती हैं बेटियां, निश्चित रूप से बेमिसाल होती हैं, और आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। हमने अभी एक कार्यक्रम किया था आवर हेल्थ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारी हेल्थ के लिए हम स्वयं जिम्मेवार बने। शासन प्रशासन तो अपनी जिम्मेवारी निर्वाह कर रहा है लेकिन हमको स्वयं जागरूक रहना होगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम पेरेंट्स के माध्यम से गार्जियंस के माध्यम से हम ये जागरूक करें कि केवल हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा, इवन पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा, सब जगह आपकी जो है माल न्यूट्रिशन मिल रहा है। अच्छी खासी डाइट के रहते हुए भी टिल देयर डाइजेस्टिव पावर इज नॉट प्रॉपर तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट द प्रॉपर फूड। अग्नि का बहुत महत्व है, वो अग्नि को सही रखने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि रोगा सर्वे पिबंधि अग्नौ, अग्नि के महत्व को श्री कृष्ण भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अपने महत्व का बताते हुए कि हम प्रकृति में क्या है, जब अर्जुन को बता रहे थे कि ऋतु नाम कुष्माकर वृक्षम अश्वत्थो हम, वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ, तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु इस शरीर में क्या है आप, तो स्वयं श्रीमुख से भगवान कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राण नाम देह माश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, हे अर्जुन मैं मानव शरीर में जठराग्नि के रूप में अवस्थित हूँ। तो अग्नि के सापेक्ष भोजन करना, काल भोजन करना, मात्रा सी स्यात मात्रा के अनुसार भोजन करना, साथ में भोजन करना, ऋतु अनुकूल भोजन करना, ये सारी चीजों की जागरूकता के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने अपने प्रयास से हमारे प्राइमरी एजुकेशन के क्यूरिकुलम में डाल दिया है कि बच्चे हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या सद्वृत आचार रसायन इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जागरूक रहें। तो मैं निश्चित देखता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उज्ज्वल भविष्य है, और हमारे प्रदेश ही नहीं हमारे देश में चारों तरफ विकास की जो धारा बह रही है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों के सामने एक रास्ता प्रशस्त होगा और पुनः यह समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। आपने बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन दिया और संक्षिप्त रूप में आपने बहुत अच्छी चीजें जानकारी शेयर की। आपके तमाम वीडियोज हमारे पास पड़े हुए हैं यूट्यूब पर जिसमें कि आपने पूरी की पूरी जानकारी दी है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। डॉक्टर अवनीश पांडे जी ने सारे आपके लेक्चर्स को YouTube पर डाल रखा है, तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को भी आप YouTube पर डालेंगे तो सब लोगों में इसकी जागरूकता जाएगी। अब मैं एक ऐसी महान शक्ति को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में रहते हुए इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में एक वो छवि बनाई है कि सारे के सारे दुखी और ऐसे लोग जिनका कोई साधन नहीं था, जिनकी कोई परिचय नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, जितनी महिलाएं परेशान थी उन सबको आपने उनके कष्टों से त्राण दिलाया, और उस अपने अनुभव के आधार पर ही
आपने एक पुस्तक लिखी महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में। मैं उस पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन किया, मुझे दिखा कि आपने गागर में सागर को समेट दिया है। आपको तमाम पुरस्कार भी मिले हैं और आपने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है, एक एक डायरेक्टरी आपने मेडिकल बनाई है जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सारी विधा के चिकित्सकों का इंटरनेट वो कनेक्शन का आपका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सारी जानकारी आपने शेयर किया है। तो आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जानकारी से हम लोगों को लाभान्वित करें। और डॉक्टर अवनीश जी और डॉक्टर शांति चौधरी मैम को आप आह्वान करें कि वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभ पहुंचाएं। डॉक्टर अवनीश जी, धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शांति चौधरी मैम से कि मैम आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर शांति चौधरी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे देश की सभी लड़कियों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ डॉक्टर कामिनी धीमरा धीमान, डॉक्टर नीलम गुप्ता जैसी विदुषियों को मैंने सुना। आप सबको बहुत प्रणाम। मेरा बहुत बहुत आभार डॉक्टर जीएस तोमर साहब का, जो विश्व आयुर्वेद मिशन मिशन के माध्यम से हर दिवस स्वास्थ्य दिवस मनाते रहते हैं। स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं था, लेकिन अभी आपका आदेश हुआ तो बैठ गए। बहुत अच्छा लगा आप सबको सुनकर। इतनी बढ़िया ढंग से अभी कामिनी दीवान जी ने इतना बढ़िया आहार विहार की जानकारी दी। नीलम गुप्ता जी ने नारी शक्ति स्वरूपा बताते हुए कितना बढ़िया लड़कियों के बारे में, आज की जो स्थिति है उनकी, उसके बारे में कितना बढ़िया प्रकाश डाला, बहुत सुंदर। और डॉक्टर तोमर, आप तो नारी शक्ति का कितना सम्मान करते हैं कि आपने अपनी अपनी भावनाओं को कविता रूप में, बताइए, इतने सुंदर शब्दों का चयन करते हुए इतनी सुंदर कविता आपने लिखी और इतने सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति की। बहुत बहुत हम नारी शक्ति आपका बहुत आभार करते हैं। आज कितना अच्छा विषय है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और उसमें भी हम उन बालिकाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है स्वास्थ्य। स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। और कितना सुंदर ढंग से अभी बता रही थी डॉक्टर कामिनी दीवान की, सिर्फ भ्रूण से ही नहीं बल्कि जब वो गर्भधारण की बात सोचते हैं, माने निषेचन से पहले ही हमें ये देखना है कि अगर माता पिता दोनों बच्चे के स्वस्थ होंगे, उनका आहार अच्छा होगा, तभी वो अच्छी स्वस्थ संतति को जन्म देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का पहले से ही ध्यान देना चाहिए। अब बात जब लड़कियों की होती है तो अब काफी परिवर्तन आ गया है तेजी से, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति समझी पहले से बेहतर हुई है, हमारा रहन सहन, हमारी सामाजिक स्थिति बेहतर हुई है। तो अब अगर कहें तो बच्ची बहुत जल्दी जवान होने लग गई है। अब बच्चियों का बचपना बहुत जल्दी उनसे छीन लिया जा रहा है, वो बहुत जल्दी रजस्वला हो जा रही है। पहले रजस्वला होने की उम्र 13 से 16 साल के बीच होती थी, तो वो अब घट कर 10 से 11 साल औसत हो गई है। तो यानी बहुत कम उम्र में उनमें एक मासिक धर्म का, तो इसकी अगर पहले से उनको जानकारी होती है तो उसे एक ही बोझ के रूप में नहीं लेती, बल्कि एक अपनी कह सकते हैं कि एक दैनिक क्रिया के रूप में, एक कुछ दिन होते हैं जिसमें उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, विशेष स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी माँ, या जैसा कितनी अच्छी बात हुई कि पहले बच्चे ज्यादा होते थे, परिवार में काफी लोग होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो जो बड़ी बुढ़िया होती थी, माँ बहने होती थी, बड़ी बहनें, वो छोटी बहनों को बता देती थी, इसकी जानकारी दे देती थी। क्योंकि इसकी जानकारी की मैं अभाव में इतनी लड़कियों को हमने तनावग्रस्त होते हुए देखा है। और तनाव जब होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मासिक के धर्म के पहले पीड़ा अधिक होगी, डिस्मनोरिया जिसे कहते हैं हम लोग, वो बहुत हो गया, और साथ ही उनका रक्तस्राव भी अधिक होगा। तो अगर हम पहले से इस चीज के लिए मानसिक तौर पे उन्हें तैयार कर लेते हैं, तो शायद ये सारी परेशानियां
वो नहीं झेलनी पड़ेगी उनको। तो बचपन से बच्ची जब है, छोटी बच्ची, तभी से उसके खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यही अब संतति को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए हम उसके शुरू से इतना मजबूत कर दें। हालांकि वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने हमें खुद ही इतना मजबूत किया है कि जन्म के समय अगर किसी तरह का विकार ग्रस्त बच्चा पैदा होता है, बच्चे में कोई कमी होती है, या समय से पूर्व अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि लड़का है कि लड़की है। लड़की तो अरे जी जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि ये शोध में देखा गया कि इस तरह के बच्चे जो समय पूर्व पैदा होते हैं या जन्म के समय जिनका कम वजन होता है, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जीवन अधिक देखा गया है। तो ये एक प्रकृति का हमारे लिए दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, इसको वरदान ही समझना चाहिए। अब हम उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, और जैसे अभी बात हुई ना कि मानसिक स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, मैं तो कहूंगी उनके भावनात्मक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। बच्चे, आज की लड़कियां, चाहे कितना भी उनका डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे कितना वो हर फील्ड में एक्टिव हो, लेकिन संकोच गत जो उनमें वो है, एक चीजों को छुपाने का एक प्रवृत्ति है, वो हर लड़की में होती है। वो खुलकर अपनी समस्या को किसी से नहीं बता पाती है। तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी हर एक समस्या को समझना होगा हमें। बात हुई हमारे लड़कियों के पोषण की, कुपोषण की बात है। जब पोषण की बात होती है तो कुपोषण की बात भी होती है। कुपोषण दो तरह से होता है। एक कुपोषण वो है जब हम सही पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं। दूसरा पोषण वो है, कुपोषण वो है कि हम हमें आहार मिल नहीं पा रहा है, पोषक तत्व का अभाव है। ये अभाव सिर्फ गरीबी के कारण नहीं होता, ये अभाव लड़कियां पैदा कर रही हैं आज की, जो जीरो फिगर के चक्कर में खाना नहीं खाती, गलत खाती है वो भी एक बात है, और जो खा रही है तो बहुत कम खाती है कि हमें हमारा वजन ना बढ़े। वजन के प्रति बचपन से एक एक नई सोच उनमें विकसित हो रही है। तो इस ओर हमें विशेष ध्यान देना है कि उन्हें हम अच्छी आदतें डालें, उनमें बचपन से उन्हें नियमित व्यायाम की तरफ उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें योग सिखाएं, ध्यान सिखाएं। ध्यान जिससे कि उनकी आत्म केंद्रित हो, उनका ध्यान इधर उधर भटके नहीं। तो ये ध्यान, योग, ये बचपन से ही उनको सिखाया जाना चाहिए। बचपन में वो शौक की तरह सीखते हैं, और फिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके एक दैनंदिनी का एक हिस्सा बन जाता है ये। और अगर हम ये सोचें कि बच्चे बड़े हो गए हैं, किशोरावस्था में आ गए हैं, तब हम उनको सिखाएं, तो वो शायद इसको एक बोझ के रूप में लेने लगते हैं। काउंसलिंग की बात हुई, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लड़कियां पहले की लड़कियों जैसी नहीं रही। अब उन्हें सिर्फ एक गृहिणी नहीं बनना है, वो करियर के लिए अपने बहुत सतर्क हैं, बचपन से ही सोचने लगती हैं कि हमें आगे क्या बनना है, उसके लिए हमारी क्या, किस तरह से पढ़ाई हमें करनी है, हमें देश में, अपने देश में कहाँ, किस सेंटर में क्या पढ़ने को अच्छा मिलेगा। वो उत्साही भी हैं, अति उत्साही हैं बल्कि कहना चाहिए। तो हम जो अभी अभिभावक हैं, बड़े हैं, हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि वो जो करना चाहती हैं उनको हम सही दिशा निर्देश दें, उनकी बात को समझते हुए उनपे कोई अपनी बात थोपने का प्रयास न करें, क्योंकि जब भी हम बात थोपने का प्रयास करेंगे तो बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी लड़की डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि हमारी लड़की इंजीनियर बने। वो हो सकता है इंजीनियर नहीं बनना चाहती, वो एक शिक्षिका बनना चाहती है, एक टीचर बनना चाहती है, एक रिसर्चर बनना चाहती है, एक साइंटिस्ट बनना चाहती है। तो जो वो बनना चाहती है, हम उसमें मददगार हो, उसको मदद करें कि वो अपनी जो इच्छा है उसमें आगे बढ़े।
अब लिंग भेद किसी भी तरह का लिंग भेद नहीं होना चाहिए। बचपन से अगर लड़का और लड़की की सही परवरिश बराबर से हो, दूध अगर दिया जा रहा है तो दोनों को घर में बराबर से दिया जाए। ये भी मैं गलत कहूंगी कि लड़कियों को ज्यादा दिया जाए और लड़कों को कम दिया जाए, ये भी गलत होगा। लेकिन दोनों पे बराबर का और किसी भी तरह का भेदभाव जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अब नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत सुखद बात है कि जो लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं लोग पढ़ा रहे हैं। वो बात अलग है कि हम अपनी उनमें एक शर्त रख देते हैं कि नहीं, तुम्हें यही बनना है, तुम इसी ओर जाओ, इसी कंपटीशन में बैठो, वो ठीक नहीं है। उनको विषय का चुनाव की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और इन इनके बड़ी एक तरह से कहा जाए तो बड़े ये एक तरह से बड़े इनके बड़े विचार बड़े सुलझे हुए हैं। ये इनकी दृष्टि बहुत व्यापक है, ये सब जानते हैं कि हम क्या करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं समझती हूँ। काउंसलिंग काउंसलिंग तो हर क्षेत्र हर एंगल से हमें एक बच्ची की काउंसलिंग करनी है। बचपन से उसे ऐसा हमें ये बोलना नहीं है कि तुम अब बड़ी हो गई हो तो अपने भाई के साथ तुम नहीं रह सकती हो, ऐसा ना कह के उसे हमें सारी चीजें अपरोक्ष रूप से बतानी है, समझानी है, कि एकदम डायरेक्ट ना कह के उसे इस चीज का स्वयं एहसास होने लग जाए कि वो ठीक है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कुछ सीमाएं हैं, हमें उन सीमाओं के का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे जब बाहर जा रहे हैं, को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो भी उन्हें इस चीज का एक एक दोषी हो लेकिन एक सीमा के अंदर हो तो वो बेहतर होती है। शुरू से इस चीज की अगर जानकारी हो तो फिर उसके दुष्परिणाम देखने को प्रायः नहीं मिलते हैं। मैंने देखा है कि गांव की ऐसा नहीं है कि शहर की लड़कियां, गांव की लड़कियां अब कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। तो वो बहुत तेजी भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा अंकुश रखना है लेकिन उसे अंकुश की तरह नहीं, उसे नियंत्रण की तरह नहीं, बल्कि बड़ी सजगता के साथ कि हम उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दें और उनको बहुत ही समझदारी के साथ उनसे व्यवहार करें। बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी लड़कियां बहुत सजग हैं, पहले से तो बहुत सजग है, बस अगर हम उनको अगर बचपन में कोई लड़की मोटी है तो मोटी मोटी कह के चढ़ा के या मोटी करके बोलने से वो एक उसके अंदर एक तरह की हीन भावना आ जाती है और यही हीन भावना उसे फिर प्रेरित करती है जीरो फिगर के लिए। तो बच्चा जैसा है उसे उसी तरह से कहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो बेटा, लेकिन नियमित व्यायाम इसलिए जरूरी है कि ये तुमको तुम्हारी बहुत सारी शारीरिक परेशानियों को कम करेगा। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो उसको हम सभी जानते हैं कि उसको आयरन की भी जरूरत है, लड़कियों को कैल्शियम की भी जरूरत है, जो लड़कियों के लिए विशेष तौर पे हमें ये आहार ऐसे आहार देने हैं जिसमें जो लौह युक्त ज्यादा हो, लौह तत्व तो ज्यादा हो जिसमें जिससे उसे उन्हें कैल्शियम मिल सके। तो उन्हें अगर दूध और दूध निर्मित वस्तुएं बचपन से खाने की आदत डाले और तरह तरह की चीजें घर की बनी हुई अगर अच्छी परोसी जाए तो शायद बच्चे बाहर का जो जंक फूड की तरफ इतना आकर्षण है बच्चों का तो शायद वो नहीं रहेगा। जो लड़कियों में मैंने सबसे बड़ी कमी देखी कि आजकल की लड़कियां, अभी डॉक्टर साहब बता रही थी, डॉक्टर धीमान बता रही थी कि देर से उठती हैं, तो ये इस कमी की वजह से वो फिर क्या करती हैं, अक्सर नाश्ता नहीं करती। तो चाहे लड़का हो लड़की हो,
दोनों को सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को कि बच्चियां नाश्ता भरपेट करें और नाश्ता बहुत पौष्टिक हो, उन्हें अंकुरित अगर अंकुरित चने और मूंग की आदत अगर बचपन से डाल दी जाए, रागी रागी के बहुत अच्छे पकवान बनते हैं, तो उनको पकवानों के रूप में ही अगर उन्हें दिया जाए तो शायद वो बहुत इसे स्वीकार करेंगी। अभी होता क्या है कि वो इंटरनेट में जो अधकचरी जानकारी उन्हें होती है वो थोड़ा सा कहीं से कुछ ले लेती है, थोड़ा सा कहीं से कुछ, और जिन चीजों का विज्ञापन किया जाता है उनकी तरफ आकर्षण ज्यादा है। तो ऐसा क्यों नहीं करें, या जो चीजें करनी है वो क्यों करें, ये जब हम उनको एविडेंस के तौर पे बताएंगे, एविडेंस के बताते हुए बताएंगे कि अगर तुम ये लोगे बेटा तो इससे ये नुकसान हो सकता है, इससे ये फायदा हो सकता है, तो शायद वो इसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो हमें उनके शारीरिक, उनके मानसिक, उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहना है, क्योंकि आज जो छोटी बच्ची है वही कल किशोरी होगी और वही कल माँ बनने के लिए तैयार होगी, और वो एक बच्चे के भविष्य में एक बच्चे की धात्री होगी। तो इसलिए अगर बचपन से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगी तो जाहिर सी बात है हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। डॉक्टर तोमर, आपका फिर एक बार बहुत आभार, इतनी विदुषियों को सुनने को मिला, और आप इतना कुछ करते हैं स्वास्थ्य के लिए, इतना समर्पण अगर हमारे समाज में हर चिकित्सक के साथ हो जाए, जो ये आज हमारे डॉक्टर्स हैं हम लोगों के साथ, डॉक्टर गुप्ता, नीलम गुप्ता जी, डॉक्टर कामिनी धीमान जी, आप सब विदुषियां हैं और सब समाज को स्वस्थ बनाने में कितनी सजग है, कितनी जागरूक है। नीलम जी, आप कहीं से नहीं लग रहा कि आपको कोरोना हुआ था, ये तो हम मानसिक तौर पे अगर अपने को तैयार कर लेते हैं और उत्प्रेरक का काम करते हैं डॉक्टर तोमर जो तुरंता वाला प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमें पहले से कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, मेरी सर खुद आवाज ही सुनाई देने की। थोड़ी देर पहले तो सर खुद ही एक प्रोग्राम में थे। मेरी आवाज बता रही होगी कि खांसी से पीड़ित हूँ, सर्दी लगी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति जी, आपने निश्चित रूप से व्यावहारिक चीजों को हमारे बीच में रखा। आपने इमोशनल हेल्थ के बारे में जो चर्चा की वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें थोपना नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मैं पत्नी दोनों लोग चाहते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और स्वाति पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका एक संकल्प था कि मैं अपनी माँ की तरह टीचर बनूंगी। तो उसने डिसाइड किया कि उसने कुछ नहीं करूंगी, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, और आज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही है। दूसरी बात, छोटी वाली बेटी हमारी, उसको भी मैंने डॉक्टर बनाने के बारे में सोचा, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मेरा रुचि आर्ट की तरफ है। उसने निफ्ट से बिठाया, डिजाइन में बैचलर किया, और आपकी अहमदाबाद की एनआईडी से उसने मास्टर ऑफ डिजाइन किया, और उसके बाद में एक बहुत अच्छी, आपका अफ्रीका में इस समय है, घाना में आर्टनेस स्टूडियो उसका अपना है, और अपने आर्ट के द्वारा उसने पूरे घाना में फर्स्ट प्राइज पाया इंडियन कम्युनिटीज वाह, में, और क्या बहुत अच्छा काम किया। तो मैं कहता हूं, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको अपने आप उनकी रुचि के अनुकूल जाना देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात आपके सामने कहूंगा, स्वच्छंदता और बच्चों को स्वतंत्रता देना, दोनों में अंतर है। स्वच्छंदता का हम विरोध करते हैं, हमें निश्चित रूप से रखना चाहिए। चाणक्य जैसा महान व्यक्ति कहता है, शास्त्रम सुनिश्चितोपि परिचिंतनीया, आराधितोपि निपृति परिसंकनीया, आत्मी कृतोपि युवती परिरक्षणीया, शास्त्रम नृपम च युवतौ किं नो वसित्वम्। ये चाणक्य कहता है, आत्मी कृतोप युवती परिरक्षणीया, हमको एक नजर तो रखना चाहिए, निरंतर हमको जो है
संरक्षण, क्योंकि स्त्री के साथ में हमको जो है उनके नियंत्रण, उनके नियंत्रण का तात्पर्य ये नहीं है कि उन पे ऐसा कंट्रोल रखा है, बच्चों को, चाहे वो बच्चे हों, बालक हों या बालिकाएं हों, तो हमको उनकी स्वच्छंदता, जो पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ जो प्रवेश हो रहा है, हमारी भारतीय जीवन शैली से लोग हटते जा रहे हैं, तो उससे हमको बचाना होगा। और दूसरा, हमारी अभी कामिनी जी ने जो बताया कि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उनकी तरफ हमें आकर्षित करना होगा। और कोरोना कालखंड में बहुत कुछ प्रमाणित हुआ और लोगों ने अनुभव किया और इसका अनुपालन भी किया। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप तीनों लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन दिया, यह अत्यंत लाभकारी होगा, लोग इसको फेसबुक पर सुनेंगे भी, यूट्यूब पे भी सुनेंगे। ये डॉक्टर अवनीश पांडे को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, ये 294वां व्याख्यान है हम लोगों का जो कि हम लोगों ने इस कालखंड में किया है। और मैं सोच रहा हूँ इस कोरोना ने बहुत अधिक जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई है, तो मैं आप सब लोगों की शक्ति के रूप में ही मैं कार्य कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तुरंत जो आपने कहा हमारी शांति जी ने कि हम लोग स्पॉट डिबेट जैसा काम करते हैं, मुझे विश्वास है कि किसके अंदर एक्सटेम्पोर बोलने की क्षमता है वो मैं याद करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर कामिनी जी, शांति जी और नीलम जी इस कार्य को करेंगे और हमारे अवनीश जी अपनी सक्रियता के साथ में अपना कार्यक्रम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। अवनीश जी, अब आप धन्यवाद ज्ञापन करके अपना शांति मंत्र के साथ समापन करें। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में। चूंकि मुझे लग रहा है 1.25 साल से सर मैंने आपको फोन किया और पहली बार आपका फोन नहीं उठा, तो मैंने कहा फिर भी कार्यक्रम तो होगा, अभी सर का फोन आ गया, चाहे 8 बजे सर कॉल बैक करे लेकिन कार्यक्रम तो सर करवाएंगे। अब इतना मैं ऑनलाइन कर कॉन्फिडेंस आ रहे गया। और मैं सर मैं आपको बताऊं, फ्लायर में बना चुका था, मैं फ्लायर बना चुका था, केवल उसमें स्पीकर कौन कौन होंगे ये नहीं डिसाइड हो पाया था। तो बहुत अच्छा रहा कि लास्ट मोमेंट में अच्छा प्रोग्राम हुआ, सर बहुत ने ही अच्छा इंस्टेंट दिन था। इंस्टेंट इनविटेशन देके एकदम एक्सटेम्पोर करा बिल्कुल नेचुरल टॉक होता दिया। है मैम, कि जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एग्जैक्टली बहुत अच्छा एग्जैक्टली रहा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो मैम, ऐसी हम कामना करते हैं, और आपके शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों के बीच में अपनी बातें शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर कामिनी धीमान मैम, आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। डॉक्टर शांति चौधरी मैम, आपके उद्बोधन कई बार सुन चुके हैं और हर बार आपके द्वारा कुछ नया नया सुनने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इतने कम समय में आयोजन के लिए प्रोफेसर जी एस तोमर सर, सर आपका बहुत बहुत आभार जो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। और अंत में यही कहूंगा, 10 पुत्र समाकन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन, यत् फलम लभते मर्त्यस्तल्लभ्यम कन्या एकया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाह बात कही गई है, और बहुत शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बेटियां ही सशक्त राष्ट्र का आधार हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे देश एवं प्रदेश की समस्त बालिकाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आइए हम सभी बेटियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करें, उन्हें शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाएं। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जिन्होंने फेसबुक पे भी इस कार्यक्रम को देखा और बाद में रिकॉर्डेड इस कार्यक्रम को देखेंगे, आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में हम लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।